नमस्ते मित्रों, ठंड सर्दी बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई है। सर्दी के इस मौसम में बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता, लेकिन जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। तो सर्दी के इस मौसम में ठंड भगाने के लिए एक प्राणायाम है जो आज हम देखेंगे। प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने से ठंड 2 मिनट में ही उड़ जाएगी। तो देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। सूर्य देवता साक्षात मेरे सामने है। ठंड में हम सूर्य देवता को बहुत याद करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने से पहले एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा पेट खाली होना चाहिए, भूखे पेट हमको करना है। मतलब कि हम सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद तुरंत हम कर सकते हैं, पेट साफ करने के बाद हम कर सकते हैं। तो आइए ऐसे बैठ जाएं, श्वास अंदर भरें, बाहर छोड़ें। आंखें बंद करके बैठें, श्वास अंदर लें, बाहर छोड़े। गहरा 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 श्वास अंदर भरे, धीरे धीरे बाहर छोड़े। श्वास भरते समय छाती फूलती है, फेफड़े फूलते हैं, धीरे धीरे छोड़े। इस क्रिया को हम बार बार करेंगे। ऐसे ही हमको गहरी श्वास लेनी है, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़नी है। इनहेल एक्सहेल, बस इतनी सी क्रिया करनी है, लेकिन सतत करनी है, सातत्य के साथ करनी है, तालबद्ध सतत करेंगे। 2 मिनट तक हम इस श्वास पर ही ध्यान रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। और ऐसा हम 15 दिनों तक अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। पंद्रह दिनों के बाद हम यह क्रिया कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम को जोर से कर सकते हैं। अगर आप पहले से प्राणायाम करते हैं तो आप अभी से जोर से प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हो उसके लिए मैंने बोला कि 15 दिनों के बाद कर सकते हैं। अगर आप पुराने साधक हैं, प्राणायाम जानते हैं, तो अभी से आप ऐसे जोर से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह जोर से भस्त्रिका प्राणायाम केवल 2 मिनट अगर करेंगे, हमारे शरीर में एक कुदरती ऊर्जा उत्पन्न होगी और हमें ठंड से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही सामान्य से बाबत है, लेकिन हम कभी करते नहीं। तो आइए आलस्य को ताकते हैं और जीवन में रोज योग को स्थान देंगे, रोज आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।